Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to tell you about control measures of noise pollution. आज की वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे नॉइस पॉल्यूशन पे और हम जानेंगे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइस पॉल्यूशन को. कॉजेज और अफेक्ट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि क्या कॉजेज हैं, क्या अफेक्ट्स हैं नॉइस पॉल्यूशन पे. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. Noise pollution, what are the control measures of noise pollution? First of all, what is noise pollution? Noise pollution क्या है? सबसे पहले noise क्या है? जो भी sound loud होती है, बहुत ही ज़्यादा unpleasant होती है, disturb करती है हमारे environment को, हमारी health को, उसे हम noise कहते हैं. Noise pollution क्या हो गया? जो noise से pollution हो रहा है, means हमारी जो environment पे इसका impact हो रहा है, हमारी health पे इसका impact हो रहा है, या other organisms पे इसका impact हो रहा है, उसे हम noise pollution कहते हैं. Any unwanted or disturbing sound that affects the health and well-being of human and other organism. So, जो भी higher sound level है, higher intensity का sound है, जो impact करता है हमारी human health पे and other living organisms पे, उसे हम noise pollution कहते हैं. Now, noise pollution का बहुत ही ज़्यादा effect है हमारी human health पे, animal health पे, environment पे. So, ये impact करता है millions of people on a daily basis. इससे मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो हेयरिंग प्रॉब्लम होती है. हेयरिंग लॉस हो सकता है इससे. हाइपरटेंशन, स्लीपिंग डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, इरिटेशन, नर्वसनेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियर में चेंजेस हो सकते हैं इससे. एडवर्स अफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे इसका. एंड जो दोज पीपल हु आर लिविंग नियर बाय एयरपोर्ट या स्ट्रीट्स के पास रहते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस होती है एयरपोर्ट के पास या रेलवे स्टेशन के पास, वहाँ पे स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी हेल्थ पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं. वो ज़्यादा सफ़र करते हैं स्ट्रेस से और उनकी जो मेमोरी और अटेंशन स्पैन पे उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. सो इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट में और ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है. सो वी नीड टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन. हमें नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो इससे हमारी हेल्थ इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकें. सो नॉइस इज़ अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक ऑल अदर पोल्यूशन. नॉइस पोल्यूशन इज़ नीड टू बी कंट्रोल. नाउ हाउ वी कैन कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइस पोल्यूशन. वी विल डिस्कस दीज थिंग्स वन बाय वन. फर्स्ट है, गवर्नमेंट can make rules that factories and industries should be set up away from the residential areas. So government कुछ rules ऐसे बना सकते हैं जिससे factories and industries को हम set up कर सकते हैं residential areas से दूर, क्योंकि industry और factories में बहुत सारी machines use होती हैं जिससे बहुत ही noise produce होती है, जो जिसका बहुत ही bad effect पड़ता है हमारी हेल्थ पे. तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल सेटअप कर सकते हैं जिससे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं अवे फ्रॉम दी रेजिडेंशियल एरियाज. नेक्स्ट है, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. गो ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करके. प्लांटेशन क्या करता है, ट्रीज़ क्या करता है, कट करता है साउंड एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉइस पॉल्यूशन. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रोल मेजर इज़ यूज़ ऑफ साइलेंसर. साइलेंसर का यूज़ करना इन व्हीकल्स, इन इंजन्स, ओके एयरक्राफ्ट्स में एंड डिफरेंट अप्लाइंसेस में. साइलेंसर क्या होते हैं? साइलेंसर यूज़ होते हैं इंजन्स में जो साउंड लेवल को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं नॉइस को फ्रॉम इंजन. ओके, सो साइलेंसर शुड बी यूज इन व्हीकल्स. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल मेजर्स फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन नॉइसी एरिया और लिविंग नियर बाय नॉइसी एरिया लाइक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन. सो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के पास जो लोग रहते हैं या वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टिव एड्स लाइक ईयर प्लग्स यूज़ कर सकते हैं, मफ्स यूज़ कर सकते हैं, नॉइस हेलमेट्स यूज़ कर सकते हैं, हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं. शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दी नॉइस. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर लुब्रिकेशन एंड बेटर मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स. मशीन की प्रॉपर लुब्रिकेशन होनी चाहिए, टाइम मेंटेनेंस होनी चाहिए मशीन्स की, सर्विस उनकी इस तरह से होनी चाहिए जिससे जो है मिनिमाइज़ कर सके हम नॉइस को और नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस कर सकें.
नेक्स्ट इज लेस यूज़ ऑफ क्रैकर्स. क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं जब हम, तो इससे बहुत ही हाई इंटेंसिटी में साउंड प्रोड्यूस होता है जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करता है. वैसे ही ये एयर को भी पोल्यूट करता है क्योंकि इससे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को, एयर को पोल्यूट करते हैं. सो इससे एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन दोनों जो है ये इंक्रीज़ करता है, उसको रिड्यूस नहीं करता, इंक्रीज. सो हमें क्या करना है, क्रैकर्स को लेस यूज़ करना है. वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स. हमें क्रैकर्स का यूज़ कम करना है जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकें. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एट लो वॉल्यूम. लो वॉल्यूम में लाउड स्पीकर का यूज़ करना चाहिए हमें, हाई वॉल्यूम में नहीं करना चाहिए. एंड जो हम म्यूज़िक प्ले करते हैं लाउडली ड्यूरिंग पार्टीज़ या किसी इवेंट्स में लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं हम, म्यूज़िक का, म्यूज़िक प्लेयर्स का यूज़ करते हैं, तो वो हमें लो वॉल्यूम में यूज़ करना चाहिए उसका. यूज़ लेस हॉर्न्स वाइल ड्राइविंग. ड्राइविंग के टाइम हमें हॉर्न्स का जब नेसेसरी हो तभी यूज़ करना चाहिए, अननेसेसरी हॉर्न्स का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी नॉइज़ पोल्यूशन को इंक्रीज़ करता है. सो दीज वर द सम कंट्रोल मेजर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. इन दिस वे वी कैन कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, वी कैन कंट्रोल द एडवर्स इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन ऑन द एनवायरमेंट और ऑन ह्यूमन हेल्थ. So this is all about today's topic. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching.